नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ता यानी। अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का FPO किया कैंसिल, निवेशकों के सारे पैसे किए जाएंगे वापस। भारत बनाम न्यूजीलैंड के तीसरे T20 मैच में भारत ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर सीरीज किया 2-1 से अपने नाम। बीमा कंपनियों के लिए कोर्ट ने जारी किया नया फरमान, ड्राइवर नशे में रहा तो भी दुर्घटना के केस के बाद दुर्घटना के शिकार शख्स को या थर्ड पार्टी को देना होगा मुआवजा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, खत्म हुआ इंतजार, इसी साल से पटरी पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, सोनीपत, लातूर और रायबरेली में बनेगी वंदे भारत ट्रेन। वित्त मंत्री ने बजट में दिया जनता को सौगात, टैक्स पेयर, महिला और किसान सभी के लिए सरकार ने खोला खजाना, देश में दौड़ेगी खुशी की लहर। नेपाल की गंडकी नदी से अयोध्या पहुंची पवित्र शिला शालिग्राम, आज पूजन के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा शालिग्राम। G20 यूथ ग्रुप की पहली बैठक आज गुवाहाटी में होगी, फ्यूचर ऑफ वर्क पर होगा मंथन। कार सेल्स रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 में मारुति सुजुकी बनी देश की बेस्ट कार सेलिंग कंपनी। फसलों में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की पीएम प्रणाम योजना, बजट के दौरान वित्त मंत्री ने की घोषणा। बजट पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने जारी किया बयान, कहा ये निर्मम बजट है, आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है तैयार। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ता यानी।